हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि आनंद है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का नाम है निशित सिन्हा सॉल्यूशन सीरीज फर्स्ट, जिसमें मैं आपको इस बुक का आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन से टॉपिक के करवा रहा हूँ मैं? ज्योमेट्री टॉपिक का करवा रहा हूँ। ये पार्ट टू है। पार्ट वन आपको, आप जाओगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको निशित सिन्हा सॉल्यूशन सीरीज देखोगे तो वहाँ पे आपको ज्योमेट्री का पार्ट वन मिल जाएगा। ठीक है, अभी करवा रहा हूँ मैं। कौन से लेवल के करवा रहा हूँ? वार्म अप लेवल के करवा रहा हूँ। और वार्म अप के लेवल में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन सब में क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट लगा है, इसलिए मैं आपको साथ ही साथ आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताता चल रहा हूँ। इसलिए वार्म अप के क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके सवाल करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या बोला जा रहा है? इन द गिवन फिगर, ट्राइंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल हैविंग इट सेंटर एट ओ। इफ ओबी इज इक्वल टू ओबी एंड ओसी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी? बी ए सी का एंगल का वैल्यू निकालना। देखो, बोल क्या रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर है। वो क्या है? सेंटर है। ओ बी एंड ओ सी आर द एंगल बाइसेक्टर। ओ बी और ओ सी क्या है ना, एंगल बाइसेक्टर। कौन कौन सा? एंगल बी का और एंगल सी का। तो एंगल बाइसेक्टर, तो देखो ये वाला एक्स है, ये वाला भी एक्स है, तो ऑब्वियस बात है ये भी एक्स होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, एंगल को आधा आधा बांटते हैं। ओ बी एंड ओ सी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी? बी ए सी का वैल्यू क्या होगा, ये चीज बताना। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया आपका, ओ क्या आपका सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर पे भी जो भी एंगल होता है ना, उसका हाफ क्या हो जाता है, ऊपर वाला हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं बी ओ सी कितना हो जाएगा? बी ओ सी को हम लोग बोल सकते कि 180 माइनस 2x बोल सकते ना। पूरा एंगल का सम कितना है? 180 है, और इन दोनों एंगल का सम कितना है, एक्स एक्स का कितना हो गया, 2x हो गया। तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x। तो ओ जब सरकम सेंटर है तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी के हाफ ऑफ एंगल के बराबर होता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि बी ओ सी इज इक्वल टू टू ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पे लगा देते, तो बी ए सी कितने के बराबर हो जाएगा, बी ए सी इज इक्वल टू हाफ, इसका हाफ निकाल लेते तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब चलो सभी एंगल को हम लोग जोड़ देते, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2x, और 2x कितना हो गया 4x, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये 3x हो गया, 4x माइनस एक्स, 180 में से 90 माइनस हो तो 90 हो गया, और x कितना हो जाएगा 30 डिग्री। x कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी? तो बी ए सी कितना है, 90 माइनस एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा ये 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट को आप याद रखना, जब भी सरकम सेंटर का जो सरकम सेंटर पे जो भी एंगल बनता है ना, उसका हाफ क्या हो जाता है, ऊपर वाला होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, इससे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं परीक्षा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ओ। देख रहे हैं, दो कोर्ड्स है ए बी और सी डी, जो कि कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। इफ ए ओ ए ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए ओ कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओ बी है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ सी कितना हो जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर। फाइंड ओ डी का वैल्यू निकालना। देखो, जब भी इंटरसेक्ट करते हैं ना, अगर कभी भी दो कोड अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ओ इंटू ओ बी इज इक्वल टू होता है आपको ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, तो ए ओ कितना है, 4 है, ओ बी कितना है, 6 है,
और OC कितना आपको, 3 है। OD हमने निकालना ही है, 3 2 6 हो गया, तो OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इन द गिवेन फिगर इफ टू ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन फाइंड एंगल पी ओ आर। देखिए ये भी सिंपल सा सवाल ही है, देखिए बोल क्या रहा है ना, टू ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल आर ओ क्यू। तो इसको हम लोग पी ओ आर के नीचे हम इसको लेते आते, पी ओ आर बटे में क्या लिख लिया हम लोगों ने, आर ओ क्यू, बस आपको समझाने के लिए, इतना आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 को इस साइड लेते हैं, मतलब एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू, कौन सा रेशियो, 3:2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी ओ आर पूरा एंगल, मतलब पी ओ आर कितना हो गया 3 और आर ओ क्यू कितना हो गया 2। ठीक है, टोटल एंगल कितना है, 100 डिग्री है ना, तो 100 डिग्री दो एंगल्स में बट रहे हैं, एक तो आपका कौन सा एंगल है आपको पी ओ आर और दूसरा एंगल कौन सा आर ओ क्यू, कौन सा रेशियो है दोनों का, इसका 3 है और इसका कितना है 2 है, 3 2 कितने हो गए 5, 5 से इसको डिवाइड मारा कितना है 20, तो ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो कौन सा आपसे पूछा जा रहा है, पी ओ आर, पी ओ आर कितना है आपका 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा सवाल थे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इन द एबव फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री है, और ए सी बी आपको बताना है। देखिए अभी अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 120 बटे में 2 कितना हो जाएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें अगर वो कंसेप्ट अगर आप याद रखोगे ना, तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ए ओ सी, ए ओ सी कितना है 160 डिग्री, ये कितना आपको 160 डिग्री है, लिख लिया। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू कितना ए सी है, देन फाइंड एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये एंगल कितना है 160 डिग्री है ना, अभी अभी मैंने बताया इसका हाफ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 80 डिग्री हो गया, ये 80 है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, मतलब ये वाला पार्ट भी, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 ये 80 है, तो 80 80 कितने हो गए 160 हो गए, बच गया कितना एंगल 20 डिग्री ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन इसमें से 20 डिग्री नहीं है, तो सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे थे, रॉन्ग है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 20 डिग्री होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इफ पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन फाइंड आर एस पी। देखिए पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक हमने एक बना लिया, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा एक सर्कल के अंडर होगा। ठीक है, तो सर्कल मैंने नहीं बनाया, बस इस चीज को समझना कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसके सारे वर्टिसेस जो होते हैं वो किसी सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, बन गया पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये सारे साइड क्या है इक्वल है। ठीक है, सब एंगल का कितना है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक
आपसे पूछा जा रहा है आर एस पी, ये वाला पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला ना अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो देखो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं। इन द गिवन फिगर पी टी इज इक्वल टू टी आर, पी टी जो है वो कितने बराबर है, टी आर के बराबर है। पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना 100 डिग्री है, ठीक है। फाइंड पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी निकालना है। तो देखो पी टी इज इक्वल टू टी आर है, चलो वहां तक तो बात सही। ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पी क्यू आर जब अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए आपको 80 डिग्री। मैंने बताया ना आपको अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये जब 100 है तो ये कितना होगा 80 होगा। अच्छा पी टी और टी आर, पी टी इज इक्वल टू टी आर दोनों इक्वल है, तो जब पी टी इज इक्वल टू टी आर है तो एंगल आर पी टी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी दोनों इक्वल होगा। तो ये जब 80 डिग्री है तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए ना, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कितने हो जाएंगे 100/2, कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इन इन ए ट्राइंगल ए बी सी द इन सेंटर इज एट ओ इफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। कोई एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी एक क्या हमारा ट्राइंगल है जिसमें क्या बोलो ओ क्या इन सेंटर है, ओ है हमारा इन सेंटर, ओ क्या हो गया इन सेंटर हो गया, ठीक है। ओ इज द इन सेंटर। अब क्या बोला जा रहा है, इफ बी ओ सी, बी ओ सी कितना आपको 100 डिग्री है, बी ओ सी इज दी 100 डिग्री, ठीक है। अब पूछा जा रहा है बी ए सी, ये वाला बी ए सी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर जब भी ओ हमारा क्या हो गया इन सेंटर हो गया, तो एक फॉर्मूला होता है बी ओ सी इज इक्वल टू 90+ ½ एंगल बी ए सी, ठीक इसके ऊपर वाला हाफ ऑफ एंगल बी ए सी निकालना। हमने क्या है बी ए सी निकालना, बी ओ सी कितना 100 है, यहाँ पे 100 लिख लिया, 90 डिग्री लिख लिया, यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी ए सी, 90 इधर आ गया तो कितना हो गया 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट, इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले से भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफी एग्जामिनेशन में पूछने को मिलते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर, एंगल क्यू आर ओ, क्यू आर ओ कितना है यहाँ पे 15 डिग्री, क्यू आर ओ कितना है 15 डिग्री। फाइंड ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ये वाला एंगल बताना आपको। देखो जब ये 15 डिग्री है ओ आर क्यू, तो ये भी कितना होगा 15 डिग्री होगा, ये भी 15 डिग्री होगा, ऑब्वियस बात है ये भी 15 डिग्री। तो ये जो क्या है इस ट्राइंगल का, ओ क्यू आर वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो ये वाला जो एंगल है पी क्यू ओ वो क्या आपको एक्सटीरियर एंगल है, ओ क्यू पी क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट टू एंगल के, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू आर ओ, तो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कितना हमारा 15 डिग्री है, और ये भी कितना 15 डिग्री है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, सारे ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर कितना होगा 30 डिग्री को, इस चीज को ध्यान रखना, सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर, ये अंतिम सवाल है, चलिए इसको भी देख लेते कैसे हल करना है। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या बोला जा रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सर क्या है सर्कम सेंटर, पूरा बात यहाँ पे नहीं बोला गया, ओ क्या बोला जा रहा है सर्कल का सेंटर है, तो इस ट्राइंगल क्या क्या हो जाएगा सर्कम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। एंड ओ क्यू पी प्लस ओ आर पी, ओ क्यू पी प्लस ओ आर पी इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड
एंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू कहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो देखो ओ आर क्यू को अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, हो जाएगा थीटा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका हाफ क्या होता है, ऊपर वाला होता है, ये कितना हो जाएगा 90, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा होगा, तो 90 माइनस कितना हो गया, थीटा हो गया, हाफ होता है इसका ऊपर वाला। ठीक है, अब चलो सबको जोड़ देते हैं, तो मैं यही चीज़ बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल दिया हमने 90 प्लस माइनस थीटा प्लस ये दोनों एंगल दिया, कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब ये एंगल लेते हैं और ये एंगल लेते हैं, तो इसको कितना बोल सकते हैं हम लोग, एंगल ओ आर पी प्लस, ओ आर पी है ये, ओ आर पी प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू, सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस थीटा वैसे ही रहने दिया, ये भी 2 थीटा वैसे ही है, इन दोनों का सम कितने के बराबर है, इन दोनों का सम कितने के बराबर है, 70 डिग्री के बराबर। यहाँ पे कितना लिख लिया, 70 लिख लिया, और ये हो गया आपको 180 डिग्री हो गया। 90 और 70 कितने हो जाएंगे, 116, 116 इधर आ जाता है, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 116 और 180 माइनस होंगे दोनों, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 20 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 20 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल लिए हैं और उसके जितने भी सॉल्यूशन बताए हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, क्योंकि सवाल ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ही सिंपल सवाल थे। ठीक है, तो जो जो मैंने कंसेप्ट आपको इसमें बताया ना, बस उस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इसी तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी अगर हमें कंसेप्ट याद नहीं होता है या वो फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हमसे गलती हो जाता है, और ये सिंपल से सवाल जिसमें ज़्यादा ज़्यादा भी जरा सा भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, जो 3-4 सेकंड का मुश्किल से चीज़ होता है, तो इस तरह के सवाल को भी हमें ध्यान में रखना है कि जल्दी से ये सारे सवाल को बहुत ही फास्टली 2-3 सेकंड में ही हम लोग हल करके आगे बढ़ जाएं, और समय बचत करके जो टिपिकल क्वेश्चन है उसमें वो समय इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एट लास्ट दोस्तों, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।